हेलो एवरीवन, कुछ लोग ये मानते हैं कि ज़िंदगी का मकसद है आसमान छूना। मैं पर्सनली ये मानता हूँ ज़िंदगी एक ज़िम्मेदारी है। आज ये दो टॉपिक को हम लोग कोरिलेट करेंगे। सबसे पहले को पहले लेते हैं, आसमान छूना है, आकाश छूना है। आज तक हम लोग को यही बात बोला गया कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो जिससे तुम आसमान छू सको, तुम्हारा नाम हो, ख्याति हो, तुम दुनिया में छा सको। और दूसरी तरफ स्टेटमेंट है, क्या ये ज़िंदगी ज़िम्मेदारी है? सबसे पहले फेस को अगर हम लोग देखें तो ऐसे लोगों को लेते हैं जो लोग आसमान छूने चले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आसमान कभी होता नहीं है, स्काई एक इल्यूशन है, समुद्र का महज एक रिफ्लेक्शन है। तो आसमान छुआ नहीं जाता है। कब इंसान आसमान क्रॉस कर जाता है रॉकेट से जाते समय, उसको पता नहीं चलता है। बट जो एस्ट्रोनॉट आसमान की तरफ जाते हैं, वो आसमान नहीं, स्पेस में जब एंटर करते हैं तो किसी जिम्मेदारी के लिए जाते हैं, वो मज़ा करने के लिए नहीं जाते। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट रखना चाहूँगा, ज़िंदगी में इंसान को ऊपर अगर जाना है तो ये सोच के नहीं जाना है मुझे कुछ छूना है या पाना है। ऊपर जाने का केवल एक मकसद होना चाहिए कि मैं नीचे रहने वाले लोग या धरती पे रहने वाले लोगों को अच्छे से सर्विस दे सकूँ, मैं उनके प्रति अपना जिम्मेदारी निभा सकूँ। इसको और अगर मैं सिंपल करूँ तो ऊपर जाने का मकसद ये होना चाहिए कि नीचे रहने वाले लोगों को मैं अच्छे से सर्विस दे सकूँ, जो कि एक एस्ट्रोनॉट करता है। वो जो ऊपर जाता है तो कुछ ऐसा करके आता है जैसे धरती पे रहने वाले लोगों के लाइफ में बेटरमेंट आ सके। बट ऐसे कई लोग हुए सदी में, उदाहरण है, आज भी ऐसे कई लोग हैं। कई टाइम में अपने घर परिवार आसपास में भी ऐसे लोग रहते हैं जो कुछ ऊंचाई तक उठने के बाद ज़िंदगी को भोगने लगते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद ज़िंदगी को एंजॉय करने लगते हैं, मज़ा करने लगते हैं। उनको लगता है वो कुछ पहुंच गए हैं, वो कुछ तोड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, वो कुछ छूने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ में सबसे पहला पतन जो होता है वो उनके कैरेक्टर का होता है, उनका चरित्र पे डाउट आ जाता है लोगों का। लोग उन पर भरोसा नहीं करने लगते हैं, अच्छे लोग उनके साथ नहीं रहने लगते हैं। दूसरा जो उनके लाइफ में डिफेक्ट होता है वो होता है कि वो धरती से दूर हो जाते हैं, उनका बेस कनेक्शन, नीचे के लोगों के साथ संपर्क टूट जाता है। चाहे किसी कंपनी के ऊंचे के अधिकारी हो या देश का कोई ऊंचा नेता हो, अगर वो धरती पे आना छोड़ दिया तो वो पब्लिक से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके कैरेक्टर में फॉल्ट आ जाएगा। और तीसरा जो नुकसान होता है, उनके आजू बाजू ऐसे लोग रहने लगते हैं जो लोग बिल्कुल वाकई में सही नहीं होते, वो कुछ समय में वो इंसान का नीचे आना तय रहता है, या एक बुरा अंत। तो बुरा किसी का भी हो सकता है, बट उसके कुछ अंत ऐसे होते हैं कि मरने के बाद भी शायद ख्याति में कुछ जुड़े नहीं। तो एस्ट्रोनॉट जैसा इंसान को ऊपर जाके जिम्मेदारी लेना चाहिए, ऐसे सफल इंसान किसी काम के नहीं है जो धरती को सर्विस ना दे सके। अब यहाँ पे एक और मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहूँगा, वो है अप एंड डाउन का स्टेटमेंट। अप एंड डाउन, एक है धरती, दूसरे है सन। धरती का काम है जमीनी स्तर पे जो भी कोई मौजूद है, चाहे एक बीज रहे या एक सूखा हुआ पत्ता या एक इंसान, वो उसको हमेशा ग्रोथ देना चाहता है। वो चाहता है अगर मरा हुआ चीज भी, एक सूखे हुए पत्ते या इंसान हो, वो भी धरती पे मिलता है तो धरती उसे भी काम का चीज बनाता है। अगर एक बीज भी उससे मिलता है तो उसको पौधे में कन्वर्ट करता है। वो इंसान को सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन दे करके उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। धरती इंसान को ऊपर उठाता है, और सूरज जो ऊपर ऑलरेडी है, उसका काम ये रहता है कि वो वहाँ से नीचे तक का संपर्क बनाए रखे कि ताकि धरती के लोग ऊपर उठ सके। अगर ऊपर में सन ना रहे तो धरती का पौधा ऊपर नहीं उठ पाएगा, ऊपर में सन ना रहे तो ये पत्ते डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, ऊपर में सन ना रहे तो ये पानी ऊपर जाके फिर से बारिश में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सन ऊपर रहते हुए नीचे को सर्विस देता है, ज़मीन नीचे, धरती नीचे रहते हुए नीचे वाले को ऊपर लेके जाता है। यही लाइफ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको मैं और सिंपल बोलूं तो स्टेटमेंट वही बनता है कि जिंदगी एक जिम्मेदारी है और हम सब लोगों को इसको अच्छे से निभाना चाहिए। हम अगर अपने लाइफ में ये करते हुए अगर मर भी गए तो शायद मरते समय या जिंदगी जीते समय भी हमें इस बात का सुकून रहेगा कि हम जो कर सकते थे हमने वो सब किया। उस दौरान हो सकता है आपको सभी लोग तारीफ ना भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कुछ पाने नहीं निकले थे, आप केवल जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो आपको उससे गम नहीं होगा। बट आप अगर ख्याति के में चक्कर में थे, या तो फिर आप कुछ पाने का लालसा रखते होंगे, तो आपको उससे दुख भी हो सकता है।
एंड लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट में आपको यही बोलूंगा, जैसे एक धरती है वैसे दुनिया में कई धरती है। आप जब धरती से निकल के ऊपर जाते हो, बहुत ऊपर चले जाएंगे, आप चांद पे भी पहुंच जाएंगे, तो चांद भी वापस एक जमीन ही है, वो भी एक तरह का धरातल ही है, वो भी एक जिम्मेदारी ही है। चांद पे खड़े रह के आप अगर आसमान में देखेंगे तो आसमान में फिर से आपको वही पृथ्वी और धरती नजर आएगा जिसे आप कभी जमीन बोलते थे। यानी कि नीचे भी जिम्मेदारी है, ऊपर भी जिम्मेदारी है। आप लाइफ में जितने भी ऊपर जाएंगे, जिम्मेदारी आपके साथ बना रहेगा, और आप जिस दिन वो जिम्मेदारी छोड़ेंगे उस दिन आप किसी काम के नहीं रहेंगे। इसी के लिए मैं लाइफ टाइम जिम्मेदारी निभाइए। ख्याति मिला, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, जिम्मेदारी निभाते रहिए। नहीं मिला तो भी जिम्मेदारी निभाते रहिए, और इस दौरान मर गए तो मर गए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।